आवाज बहुत कम आ रही है आप लोगों की। देश के वो दीवाने जिन्होंने इस भारत माता को आज के दिन आजादी दिलाई, गरम गरम खून को बहाकर इस भारत माता की बलिवेदी पर बलिदान वो शहीद हो गए। और जब उनसे पूछा गया कि बताओ करतार सिंह सरावा, अगर तुमको भगवान ने अगले जन्म में आदमी ना बनाया और औरत बना दिया तो तुम क्या करोगे, वो करतार सिंह सरावा जब ये बात कहता है कि मुझे आज तुम मार दो, अगले जन्म लेकर फिर किसी माता के गर्भ से मैं पैदा होऊंगा और जब जवान हो जाऊंगा तो जवान अवस्था में फिर से तुम्हारी इस शासन का मैं विरोध करूंगा, ये बात सुनकर वो अंग्रेज कहता है कि बताओ करतार सिंह, अगर तुम मरने के बाद में अगर तुमको दूसरा जन्म मिल जाए और दूसरे जन्म में भगवान तुमको आदमी ना बनाकर औरत बना दे तो तुम फिर क्या कर लोगे। तो करतार सिंह सरावा क्या कहता है, करतार सिंह सरावा कहता है अगर मैं वो आदमी बना तो केवल एक करतार सिंह सरावा बनूंगा, और जब तक मैं पैदा होऊंगा जवान होऊंगा तब तक इस देश के अंदर में पापाचार व्यभिचार भ्रष्टाचार इतना बढ़ जाएगा, एक करतार सिंह से काम चलने वाला नहीं है। अगर तेरी सोच के अनुसार भगवान ने मुझको आदमी ना बनाकर और औरत बना दिया ना तो ये तो बहुत गजब की बात हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कहता कि अगर मुझे औरत भगवान ने बनाया तो जब मैं जवान अवस्था में आ जाऊंगा, जवान अवस्था में आने के बाद में सुंदर से नौजवान के साथ में शादी रचाकर और अपनी कोख से 18 करतार सिंह सरावा पैदा करके तेरी छाती पर बैठा दूंगा एक एक दांत तोड़ने के लिए। ये था करतार सिंह सरावा का जज्बा। और पूछा गया कि क्यों करते हो जंग, तो क्या कहते हैं, कहते हैं कि करता ही बगावत क्यों अगर फांसी का डर होता। मौत को सामने देखकर करतार सिंह तुझे डर नहीं लगता क्या, अरे करते ही बगावत क्यों अगर फांसी का डर होता, चढ़ाता भेंट माता को अगर कोई दूसरा और सर होता। इस प्रकार के जज्बातों को लेकर वो करतार सिंह सरावा कहता है कि मैं जगाने के लिए आया हूं, सोने के लिए तो दुनिया सो जाती है, आई है और चली भी जाती है, लेकिन मैं जाने के नहीं आया हूं, अरे मैं तो आकर कुछ करने के लिए आया हूं। और लोगों को जगा रहा था किस समय पर, जिस समय पर लोग अपने धर्म को छोड़कर अपने अपने जमीर को छोड़कर जब लोग सो चुके थे उस समय पर आकर जगाया। एक भजन के माध्यम से मैं तो कहना चाहूंगा, सुनेगा कैसे हालात थे। अरे जाने ये क्या शे पी करके सोए, जगाते जगाते बहुत दिन चले गए। जाने ये क्या शे पी करके सोए, जगाते जगाते बहुत दिन चले गए, जगाते जगाते बहुत दिन चले गए। उतारा न अब तक नींद के नशों को, उतारा न अब तक नींद के नशों को, क्या हो गया राम के वंशजों को, क्या हो गया राम के वंशजों को, जागते नहीं ढोल कानों पे इनके, जागते नहीं ढोल कानों पे इनके, बजाते बजाते बहुत दिन चले गए, बजाते बजाते बहुत दिन चले गए। लटका पड़ा है जो आँखों पर, हटाते हटाते बहुत दिन चले गए, हटाते हटाते बहुत दिन चले गए। और लोग कहते हैं कि जमाना बदल रहा है, दुनिया बहुत आगे चली गई, दुनिया चांद पर चली गई, तुम पीछे क्यों पड़े हो, तुम पुरानी बातों को क्यों लेकर बैठे हो। तो विद्वान लोग कहते हैं
कि जब तक हमारा पुरातन जिंदा है तभी तो समाज में जीने का हमारा एक मकसद है। अगर पुरातन ही हमारा समाप्त हो गया तो हमारे पास में तो है ही कुछ नहीं। अगर पेड़ की जड़ को ही काट दिया जाए तो बताओ क्या पेड़ खड़ा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, पेड़ गिर जाएगा। जब तक जड़ मजबूत है तो तब तक पेड़ मजबूत है। इसलिए कवि कहते हैं क्या, अरे तुम कहते हो कि बदल गया जमाना, कुछ नहीं बदला, तुम्हारी सोच बदल गई। और क्या कहा, हिमालय वही सिंधु के है किनारे, हिमालय वही सिंधु के है किनारे, सूरज वही चांद वही है सितारे, सूरज मगर हौसलों के अब वो नहीं है, मगर हौसलों के अब वो नहीं है, बढ़ाते बढ़ाते बहुत दिन चले गए, पढ़ाते पढ़ाते बहुत दिन चले गए, जाने ये क्या शय पी करके सोए, जाने ये क्या शय पी करके सोए, जगाते जगाते बहुत दिन चले गए, जगाते जगाते बहुत दिन चले गए। और कैसा जज्बा कैसा रुतबा था इस देश के अंदर में हमारा, नाम सुनकर ही दुश्मन भयभीत हो जाया करते थे, ऐसा हमारा डर था दूसरों के दिल के अंदर, ऐसा जज्बा होता था हमारे नौजवानों के अंदर में। लेकिन आज सब बदल गया। बस यही जगाने का, एक जोश भरने का केवल उनका उद्देश्य रहा है कि जवानों ये जो जवानी है ये बर्बाद करने के लिए नहीं है, अपने ऐश आराम के लिए नहीं है। अगर ऐश आराम करना होता था वो भी कर लेते, आजादी दिलाने के लिए अपना खून तक बहा दिया, उनको क्या पड़ी थी। वो कहा करते थे, एक दो शब्द उनके मुझे याद आते हैं, कहते कि ना मंजिल अलग है ना राहें अलग हैं, ना मंजिल अलग है ना राहें अलग हैं, ना आंसू अलग है ना आहें अलग हैं, मगर सोचता हूं अरे मन चलो इस वतन के लिए क्यों निगाहें अलग हैं। अगर एक नौजवान इस भारत माता के लिए कुछ अच्छा सोच रहा है तो दूसरा क्यों नहीं सोचता। अरे जन्म देने वाली माता के बारे में सब सोचते हैं, ये भारत माता भी तो एक माता है, इसके बारे में क्यों ना सोचें। तो कभी कहते हैं क्या, कभी हमसे दुश्मन डरता था ख्यालों में, कभी हमसे दुश्मन डरता था ख्वाबों में, कभी हमसे दुश्मन, आज उनके बेटे क्यों डूबे हैं शराबों में, आज रो गए हैं ना फिर भी बाज आए, बड़ी बात हो गए ना फिर भी बाज आए, कसम खाते खाते बहुत दिन चले गए, कसम खाते खाते बहुत दिन चले गए, पर्दा जहालत का पड़ा है जो आंखों पर, पर्दा जहालत का पड़ा है जो आंखों पर, हटाते हटाते बहुत दिन चले गए, हटाते हटाते बहुत दिन चले गए। महर्षि देवदयान जी महाराज जिनके प्रयास अनुसार नौजवानों ने अंग्रेजी राजा विदेशी राजा चाहे पिता तुल्य प्यार करने वाला क्यों ना हो लेकिन अपना राजा अपना ही होता है, अपना स्वदेशी राजा अपना ही होता है। लेकिन आज हमने क्या किया, देश की तो बात छोड़ो अपने घरों के अंदर में आज हम पाश्चात्य सभ्यता को आसरा देकर बैठा रखा है हमने अपने अंदर,
पाश्चात्य सभ्यता का जोर जितना आज लोगों के अंदर देखने को मिलता है, देश की तो बात बहुत दूर की है। अपने आप को जब तक नहीं सुधारोगे तो देश कैसे सुधरेगा, कवि कहते हैं क्या। घरों में बसाए बैठे विदेशी दलालों को, घरों में बहकाते फिरते हैं जो जाति के नालों को, घरों में बसाए बैठे विदेशी दलालों को, बहकाते फिरते हैं जो जाति के नालों को, खतरा अखंडता का उनसे हो गया है, खतरा अखंडता का उनसे हो गया है। बताते बताते बहुत दिन चले गए, बताते बताते बहुत दिन चले गए, पर्दा जहालत का पड़ा है जो आँखों पर, पर्दा जहालत का पड़ा है जो आँखों पर, हटाते हटाते बहुत दिन चले गए, हटाते हटाते बहुत दिन चले गए। और किस प्रकार से जगाया है आर्य समाज के दीवानों ने, जगाने के ढंग हमने क्या क्या ना बदले, जमाने के जगाने के ढंग हमने क्या क्या ना बदले, जगाने के दरिजों को बदला अपने सभी गीत गजले, दरिजों को बदला हमने सभी, ब्रजपाल रात क्या ब्रजपाल दिन क्या सारी रात रात जाग के, ब्रजपाल दिन क्या सारी रात रात जाग के, हमें गाते गाते बहुत दिन चले गए, हमें गाते गाते बहुत दिन चले गए, पर्दा जहालत का पड़ा है जो आँखों पर, पर्दा जहालत का पड़ा है जो आँखों पर, हटाते हटाते बहुत दिन चले गए, हटाते हटाते बहुत दिन चले गए, हटाते हटाते बहुत दिन चले गए। और केवल दो पंक्तियों को मेरे साथ में आप गुनगुनाएंगे कि मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 ओ माए रंग दे मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। बोले भारत माता की वंदे मातरम। आप सबने सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतियो